तो आज से 3 हफ्ते पहले मैंने एक वीडियो डाली थी जिसमें मैंने तुम लोगों को बताया था कि आखिरकार नेक्स्ट अपडेट में क्या क्या आने वाला है। गेस व्हाट, पहली बार हमारी जो नेक्स्ट अपडेट वाली वीडियो थी वो सक्सेसफुल हुई। सो हेलो व्हाट्सअप गाइस, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से डीमन किंग गेमिंग की एक और ब्रांड न्यू वीडियो में, जहां गाइस आज की वीडियो में मैं तुम लोगों को एक्सप्लेन करने वाला हूं अपने सुपर सस में आए हुए नए अपडेट को। तो गाइस वीडियो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाले, तो बिना टाइम को वेस्ट करें करते हैं वीडियो को स्टार्ट। स्वागत तो करो हमारा। तो सबसे पहले तो हम लोग बात कर लेते हैं जो सबसे अपना मेजर अपडेट आया, वो आया है रोल्स स्किन का। ये अपडेट अपने सुपरसेस चैनल वाले अक्टूबर के महीने में ले आए थे और अब तक तुम लोग समझ लो सुपरसेस चैनल में जो है कई सारे रोल्स की रोल्स स्किन आ चुकी है, जो कि है शेरिफ, बाउंटी हंटर, टाइम मास्टर, अपना हनी बी, कमेलियन, स्नाइपर, वेटरन, ब्लैक जैक, वाइट जैक, डिमेंटर और डॉक्टर। बट अपने सुपरसेस ग्लोबल में अभी मई में जो अपडेट आया उसमें सिर्फ और सिर्फ 2 ही रोल्स स्किन आई हैं, जो कि हैं बाउंटी हंटर और शेरिफ की। अब ये जो रोल्स स्किन है मैं तुम लोगों को एक्सप्लेन कर देता हूँ कि आखिरकार है क्या। सो बेसिकली रोल स्किन जो है वो तुम्हारे रोल्स के लिए एक एक्स्ट्रा स्किन है, जैसे कि तुम लोग मान लो इसकी वजह से तुम लोगों को कुछ स्पेशल एनिमेशन और कुछ स्पेशल स्टाइल्स देखने को मिलेंगे। तो सबसे पहले तो अगर तुम लोग इन रोल्स स्किन को लेना चाह रहे हो तो मैं तुम लोगों को बता दूं इसका जो है एक स्किन का 980 गोल्ड स्टार प्राइस है, यानी ये समझ लो तुम्हारे 800-850 के करीब जाएंगे अगर तुम इंडियन प्लेयर हो। बाहर के मुझे पता नहीं है कितने जाएंगे तुम्हारे, क्योंकि मेरी मैथ कमजोर है, मैं मैथ से इधर लगाने भी नहीं वाला। ऊपर से इन लोगों के नाम क्या है मैं तुम लोगों को बता देता हूँ। तो सबसे पहला जो नाम है वो होने वाला अपना डेजर्ट रेंजर शेरिफ। जी हाँ गाइज, इस रोल का इन लोगों ने नाम दिया है डेजर्ट रेंजर शेरिफ। और जब ये तुम मतलब अगर तुमने ये रोल खरीद लिया, ये स्किन खरीद ली, उसके बाद तुमने अप्लाई कर दी, तो तुम्हारी जो आने वाली एनिमेशन होगी वो तुम लोगों को कुछ इस टाइप की देखने को मिलेगी। उसके बाद तुम जब सामने बंदे को इम्पोस्टर या फिर न्यूट्रल को किल करोगे तो तुम लोगों को कुछ इस टाइप की एनिमेशन उस जगह पे देखने को मिलेगी, मतलब तुम्हें नहीं उस सामने वाले बंदे को। और जो एनिमेशन तुम लोगों को देखने को मिलेगी वो होगी ये। इसके बाद इसकी एमवीपी वाली एनिमेशन होगी वो कुछ इस टाइप की देखने को मिलेगी। तो अगर तुम लोगों के पास 980 गोल्ड स्टार है तो तुम लोग देख के अपना डेजर्ट रेंजर खरीद सकते हो। बट इसी के साथ तुम लोगों को यहाँ पे देखने को मिल जाती है डेजर्ट रोज बाउंटी हंटर। अब मुझे पता है गाइस जो नए प्लेयर हैं जिन्होंने सुपर पास अब तक नहीं लिया उन लोगों को बाउंटी हंटर नहीं मिलता है, तो पहले तुम लोग सुपर पास ले लो, उसके बाद इस पर ध्यान देना। क्या मतलब तुम लोग लेने भी नहीं वाले, क्योंकि तुम्हारे पास हराम का पैसा नहीं है। मैं तो गेम का पैसा लगाने वाला हूँ, बट गेम वाले भी तो मुझे कम पैसा दे रहे हैं। खैर मैं ज़्यादा बकलोडी नहीं करता। अब हम लोग सीधे चलते हैं डेजर्ट रोज की ओर। तो अपने डेजर्ट रोज जो वो बाउंटी हंटर की एक स्किन है और इसकी जो आने वाली एनिमेशन होगी वो तुम लोगों को कुछ इस टाइप की देखने को मिलेगी। किल वाली एनिमेशन जो कि सामने वाले बंदे को देखने को मिलेगी वो इस टाइप की होगी। साथ ही साथ तुम्हारे लिए जो किल एनिमेशन होगी वो ये होगी। और इसकी एमवीपी वाली एनिमेशन कुछ इस टाइप की हम लोग को देखने को मिलेगी। तो ये अपने डेजर्ट रोज और डेजर्ट रेंजर का काम है। सिर्फ इतना ही नहीं, इन लोगों के हम लोगों को कुछ स्पेशल वॉइस लाइंस भी देखने को मिलेंगी। जी हाँ गाइस, ये गेम में अलग टाइप की वॉइस लाइंस का इस्तेमाल करेंगे और ये अलग अलग जगह पे गेम प्ले मतलब वॉइस लाइन का इस्तेमाल करेंगे। तो सबसे पहले जो लॉबी की वॉइस लाइन होती है अपने डेजर्ट रेंजर की, मैं तुम लोगों को वो सुना देता हूँ। तो डेजर्ट रेंजर की जो लॉबी वॉइस लाइन है वो है ये। This bullet is your ticket to hell. Life and death, they both stutter in my presence. Killing solves nothing. But I still give it a try. She took my life once, yet I returned with the power of hell. My plan after revenge, my revenge will never end.
I'll exile all of them until death stops me again. उसके बाद choosing voice line है, वो होगी कुछ इस टाइप की. Time to purge the evil imposters. Check up your gear and ammunition. Time to move out. फिर इसकी skill वाली voice line है, वो ये होगी. मतलब तुम जब skill use करोगे तब ये. और स्किल यूज करते समय जो सामने वाले बंदे को सुनाई में आएगी तुम्हें आएगी या नहीं ये मुझे नहीं पता, बट हाँ कुछ ये वॉइस लाइन तुम लोगों को सुनाई में आएगी या उसे सुनाई में आएगी. Yee-haw! It ends now. Here we go, guys. It's time for reckoning. उसके बाद ये विनिंग वाली वॉइस लाइन है जो कि कुछ इस टाइप की होगी तुम्हारी. Judgment day. I've returned for those who can't return. No time to play. We have to get going now. They thought they had me. But I crawl back from hell. I've faced countless criminals in my time. And I've never hated anyone more than you, Blackjack. You're nothing compared to the real deal. Ashes to ashes. This round goes to me. There won't be any mercy this time. अब हमने जब डेजर्ट रेंजर की वॉइस लाइन के बारे में बात ही कर ली तो अब हम लोग चलते हैं अपने डेजर्ट रोज की वॉइस लाइन की. और इसका एक तो मैं सबसे तगड़ा फैक्ट बताऊं, ये जो वॉइस लाइन है ये हमारी मामा सस ने दी है. जी हाँ गाइस, ये मामा सस की ओरिजिनल वॉइस है. मैंने सुन रखी इसलिए मुझे पता है ये मामा सस की वॉइस है. जब मैंने मामा सस से पूछा तो उन्होंने भी बोला ये फर्स्ट टाइम नहीं है जो कि मैं किसी रोल की वॉइस लाइन दे रही हूँ. मैंने पहले भी दे रखी तो इतना चंबे वाली कोई बात नहीं है. बट हाँ, इसकी जो लॉबी वॉइस लाइन है वो कुछ इस टाइप की है. Hell won't decimate ya. I will. Last person who compared my side to a farming tool has already become a fertilizer himself. You don't think I'm after just golds and glories like those fools, right? The heaven is empty. Their power now flow through my vein. Choose voice line, wo kuch is type ki hai. 30 seconds is all I need to end this pointless conflict. They should have run away. स्किल यूज वाली वॉइस कुछ इस टाइप की है और स्किल यूज करोगे तो तुम्हें या सामने वाले को जो कि मैंने डेजर्ट रेंजर में बोला था उन्हें कुछ इस टाइप की वॉइस नहीं सुनाई मिलेगी. हनी लाइट्स आउट, आई विल टेक यू ऑल डाउन, हाइड, लेट मी किल देम ऑल. उसके बाद ये है अपनी एमवीपी वाली वॉइस लाइन. स्टॉप क्लिकिंग एंड गो टू वर्क विद मी ऑलरेडी. हे वेक अप, गो वॉक माय डॉग इफ यू हैव नथिंग एल्स टू डू. सच एन आयरनी. The righteous sheriff with the power of hell and just wanted revenge. Angel or devil, no matters. I'll handle them. Such a joker. तो गाइस ये तो अपना था पूरा का पूरा डेजर्ट रोज और डेजर्ट रेंजर का एक्सप्लेन, क्योंकि भाई तुम्हें पता है भाई चाइना में हम लोगों को इतना चाइना और चाइनीज वगैरह आती नहीं, बट अपने ग्लोबल में तो ये बहुत ज्यादा अच्छे से जो है अपने को एक्सप्लेन हो गया. अब मुझे ये नहीं पता है कि क्या ये यही दो रोल ला के रख देंगे या फिर और रोल भी लेंगे, क्योंकि लिटरली ये बहुत ज्यादा महंगे. मुझे नहीं लगता कि प्लेयर्स इसे खरीदेंगे, या हो सकता है कुछ पागल प्लेयर खरीदे भी जैसे कि मेरे जैसे. बट हाँ, अब हमें देखना ही है कि ये तो आ चुके हैं, अब इसके बाद वेटरन और स्नाइपर का आएंगे क्योंकि चाइना में नेक्स्ट वही थे. तो वेट कर सकते हैं हम कि ये सुपर सस वाले लेंगे या नहीं, बट अपने ये दो तो आ चुके हैं तो अगर तुम लोग चाहो तो खरीद सकते हो भाई. 980 गोल्ड स्टार के, अगर तुम कूपन वगैरह यूज़ करोगे तो 880 के तुम लोगों को पढ़ सकते हैं. इसके बाद एक और अपडेट आया, वो आया है लेवल अपडेट वाला अपग्रेड. अब इसमें क्या अपग्रेड आया मैं तुम लोगों को बता देता हूँ. सो बेसिकली अगर तुम्हारा कोई भी रोल लेवल 10 पर है, जो कि लेवल आपका तो तुम्हें पता ही है अपडेट बहुत पुराना आ रखा है, नहीं आ रखा तो मैं तुम्हें वीडियो के लिंक दे दूंगा, वहाँ पे जाकर तुम्हें पता चल जाएगा कैसे करना है. बट मुझे इतना पता है, तो मैं से कई सारे लोगों को पता है कि लेवल अप का एक जो है अपडेट आया हुआ है, तो उसी का एक अपग्रेड वर्जन अब तुम लोगों को देखने को मिलेगा. अगर तुम्हारा कोई भी रोल लेवल 10 पर है तो तुम लोगों को उसके बाद मेडल्स कलेक्ट करने पड़ेंगे. ये जो मेडल्स होंगे ये तुम्हें कुछ इस टाइप के बॉक्सेस देखने को मिलेंगे, जो कि 80 गोल्ड स्टार का तुम लोगों को देखने को मिलेगा. अब ये तीन टाइप्स के मेडल तुम लोगों को यहाँ पे देखने को मिलेंगे. सबसे पहला जो होगा वो होगा इम्पोस्टर मेडल. ये इम्पोस्टर मेडल इम्पोस्टर फैक्शन के रोल्स की लेवल अप करने में काम आएगा. उसके बाद एक स्पेस क्रू मेडल, जो कि स्पेस क्रू फैक्शन के रोल्स की लेवल अप करने में काम आएगा. और एक तुम लोगों को यहाँ पे देखने को मिलेगा न्यूट्रल मेडल, जो कि न्यूट्रल टाइप के मतलब न्यूट्रल जो रोल्स होंगे उनकी लेवल अप करने में काम में आएगा. उसके बाद तुम लोग बोलोगे कि भाई लेवल अप करने का क्या फ़ायदा, तो मैं तुम लोगों को उसके पांच फायदे बता देता हूँ कि लेवल 10 के बाद अगर तुम लोग लेवल अप करते हो तो तुम लोगों को क्या क्या फ़ायदा देखने को मिलेगा. अब ये जो नेक्स्ट लेवल अप है, इन लोगों ने इसका नाम दे रखा है हीरो पावर लेवल अप. इसमें जो है तुम लोगों को पाँच चीज़ों का जो है फ़ायदा देखने को मिलेगा, जो कि पाँच चीज़ें हैं ये. सबसे पहले तुम लोगों की मूवमेंट स्पीड होगी, वो 10% यहाँ पे बूस्ट हो जाएगी. उसके बाद तुम्हारे रिपोर्ट रेंज जो है वो 10% यहाँ पे बूस्ट हो जाएगी.
देन इसके बाद तुम्हारी जो है विजन रेंज वो 10% यहाँ पे तुम्हारी जो है बूस्ट हो जाएगी। साथ ही साथ तुम लोगों की यहाँ पे जो है यूज रेंज वो भी 10% प्लस हो जाएगी, यानी तुम्हारी एबिलिटी वगैरह जो कि वो। उसके बाद तुम्हारे जो मीटिंग का कूल डाउन हो जाएगा वो 10% जो है लेस हो जाएगा। साथ ही साथ तुम्हारे जिमिक का कूल डाउन होगा वो भी 10% लेस हो जाएगा। तो ये काम होगा तुम्हारा, मतलब ये फायदा होगा अगर तुम लोगों ने अपनी लेवल अप और ज़्यादा कर ली। इसके बाद जो अपना लास्ट अपडेट आया वो आया है एनिमेशन। अब तुम लोगों ने, मतलब मैंने तुम लोगों से कई बार कहा था कि सुपर सर चैनल में एनिमेशन बदली हुई, जो कि कुछ इस टाइप के तुम लोगों को देखने को मिलती थी स्पेस क्रू, इम्पोस्टर्स और न्यूट्रल में, वही अपने सुपर सर ग्लोबल में भी हो चुका है। जी हाँ गाइस, अगर तुम लोग अब इम्पोस्टर बनते हो तो तुम्हें कुछ इस टाइप की आने वाली एनिमेशन देखने को मिलेगी। वो पहले कुछ इस टाइप की देखने को मिलती थी हर रोल में, बट अब तुम्हें इस टाइप की देखने को मिलेगी अपने इम्पोस्टर में और न्यूट्रल में कुछ इस टाइप की। और साथ ही साथ स्पेस क्रू में कुछ इस टाइप की। तो बस यही अपडेट आया, और उस वीडियो से भाई कई सारी चीज़ें अभी भी मिसिंग है, लाइक अपना जो मेन लोबी थी वो बदली हुई है, और भी कई सारे अपडेट्स मिसिंग है, हो सकता है वो मेन फ्यूचर देखने को मिल जाए। बट हाँ, बस यही थी गई आज की अपडेट वीडियो। अगर वीडियो ज़रा भी अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, और अगर तुम लोग चैनल पर न्यू हो तो सब्सक्राइब कर देना, और अगर तुम लोग वीडियो देख रहे हो तो तुम लोग बताना कि भाई तुम्हारा अपडेट आ चुका क्या प्ले स्टोर में, क्योंकि मैंने जहाँ से अपडेट करा वहाँ पर तो आ चुका था। तो यही थी आज की वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, और अगर तुम लोग चैनल पे न्यू हो तो सब्सक्राइब भी कर देना। बाकी मैं मिलूंगा तुम लोगों से एक नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर एंड Peace out.